अच्छा जी, ये दिस इज ये एजुकेशन के लिए है, तालीम के लिए है, जो लोग ज़रात में मुंसलिक हैं। ये आप देखें कि इसको कहते हैं रेन इरिगेशन सिस्टम। ये रेन इरिगेशन सिस्टम है और आप लोग जो करते हो वो कैनाल इरिगेशन सिस्टम है, यानी आप ज़मीन में सैलाब लेके आते हो और अपनी फसलों को पानी देते हो। अच्छा, ये जो है हम बारिश पैदा करते हैं और हम फसलों को ऊपर से पानी देते हैं। अच्छा, अब आप गौर करें कि इस वक्त मैं जिस फसल को पानी दे रहा हूँ, ये हाथी घास है, यानी कि ये किस्म है कमाद की। और आपको पता होगा, जो लोग ज़रात से वाबस्ता हैं, कि इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इसको पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। अब आप माशाल्लाह इसका कद देखें और इसकी कटाई को अल्हम्दुलिल्लाह अभी सिर्फ 40 दिन हुए हैं और हम 10 दिन बाद इसको दोबारा काटेंगे। ये पथरीली ज़मीन है तो यहाँ पे कुछ जगहें ज़रा छोटी हैं, लेकिन माशाल्लाह जो बड़ी जगह हैं वो मेरे कद से भी, मेरा कद 6 फुट से थोड़ा ऊपर है और ये मुझसे बहुत ऊंची घास है, 7-7.5 फुट की घास है। बताने की बात आपको ये है कि आप जो कैनाल इरीगेशन, यानी जो आप नहरी पानी से ज़मीन के ज़रिए सैलाब पैदा करके पानी देते हैं, ये उसका सिर्फ 5% लेके और ये गन इसको पानी दे रही है। यानी इस ज़मीन को मैं गन के ज़रिए जितना पानी दे रहा हूँ वो सिर्फ 5% है उस पानी का, जो अगर मैं इसको ज़मीन में सैलाब ला के पानी। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं इसको हर तीसरे चौथे दिन पानी देता हूँ। इसके लिए हमने ये पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। आप देखें कि ये पाइप चल रहा है, पॉइंट्स बने हुए हैं पहले से। ये एक थोड़ा खर्चा एक दफ़ा करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद वो ज़मीन, अगर आपके पास 10 एकड़ का पानी है हर हफ्ते, तो आप उस 10 एकड़ के पानी से अगर रेन इरिगेशन के ज़रिए काम करेंगे तो आप 50-60 एकड़ उगा सकते हैं। मैं मानता हूँ कि इससे गन्ना नहीं होगा, इससे चावल नहीं होगा, लेकिन बाकी तमाम फसलें इससे बहुत अच्छी हो जाएंगी। हमने तो हाथी घास भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करा दी है। तो अब आप इसको फॉरवर्ड करें, लोगों को दिखाएं, पानी की कमी और पानी को कंजर्व करने के लिए, यानी पानी को बचाने के लिए ये एक इनकलाब है जो कि हमें अपने मुल्क में लाना पड़ेगा, तब जाके पानी बचेगा और इसी पानी से हम बहुत गुना, कई गुना ज़्यादा फसल ले लेंगे उसी पानी से जो अभी हम पूरा साल इस्तेमाल करते हैं। तो अच्छा, अब आप ख़ास तौर पे देखें कि ये पत्ते कितने, इनको सांस आ रहा है और ये सब बारिश जो हम बरसा रहे हैं मसनूई, तो उससे ये कितने साफ हो जाते हैं और इनको सांस लेने में और बढ़ने में बहुत आसानी होती है। तो ये रेन इरीगेशन से इसके बहुत फ़ायदे हैं, ना सिर्फ पानी बचता है बल्कि पत्ते धुल जाते हैं, बहुत 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 फ़ायदे हैं। इससे ज़मीन में कलर नहीं आता ज़्यादा पानी की वजह से। तो देखिए, शुक्रिया, और ये अपने लोगों को फॉरवर्ड भी करें ताकि लोगों को पता चले। थैंक यू। We'll be right back.